इस वीडियो में हम क्या कुछ फिलहाल करंट में चल रहा है उसकी बात करेंगे, कौन से फॉर्म चल रहे हैं, क्या कुछ नई नोटिफिकेशंस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इनके बारे में बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग हमसे और पूछ रहे हो, उन सब की भी इस वीडियो में क्लियर हम कर लेंगे। सबसे पहले IACR IARI T1 के बारे में बात करते हैं। इसका जो पेपर है भाई, बता गया था, आप देख लो इसमें नोटिफिकेशन लिख रही है, इसमें दिखा रखा है कि भाई 25 जनवरी से स्टार्ट हो के पेपर और 5 फरवरी तक भरे जाएंगे, मतलब पेपर चलेंगे, ये चीज़ दिखाई हुई थी। इसका विज्ञापन संख्या, हर जो भी नोटिस होता है वो अपने विज्ञापन संख्या से जाना जाता है, और वो डेट जिस डेट को वो रिलीज किया गया था। अब इसमें भाई ऐसा है कि 1/1/2021 इसका विज्ञापन संख्या है और 18 दिसंबर को ये जारी किया था। अगर इसके मतलब इसके रेफरेंस में कोई नया नोटिस निकलता है तो उसमें बोला जाएगा कि भाई हमने 18 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था जिसका रेफरेंस नंबर है 1/1/2021, तो ये इस नोटिस का नाम है। अगर कोई भी नया नोटिस आता है इसके बारे में बात करेगा तो इन दो चीज़ों को लेके करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भाई ये बात है कि 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में पेपर होने थे, इसकी लास्ट डेट 10 थी जो कि बढ़ा दी गई थी 20 तारीख कर दी गई थी, 10 दिन और दे दिए गए थे। तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलता है, लेकिन जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसकी वजह से इसका पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है, नई डेट जल्दी आएगी। अभी ये इसका लेटेस्ट नोटिस है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि इन व्यू ऑफ प्रीवेलिंग कोविड पेंडेमिक एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1 पब्लिश वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर, ये दे दिया उसने कि एडवर्टीजमेंट नंबर ये था 1/1/2021 और डेट ये थी। इसको उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये भाई पोस्टपोन कर दिया गया है आगे आने वाले नोटिस तक, मतलब जब तक नया नोटिस कुछ नहीं आ जाता तब तक पोस्टपोन मानो। इसकी वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना, हम भी चेक करते रहेंगे, जब भी कोई अपडेट आ जाएगी इसके बारे में तुरंत से आपको सूचित करेंगे। रेगुलर अपडेट्स वीडियो देखते रहना, आपका पेपर छूटेगा नहीं, हम इस पर डेली नज़र बनाए रखेंगे। और अगर आपको रेगुलर से चेक करना है ये, तो आपको बता दें हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस पर जाके आप चेक करते रहना रेगुलर, ठीक है। हम वहाँ पर टैब बना देंगे इसका भी एक अलग से। CCS यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम एंड लेटेस्ट अपडेट, तो भाई CCS यूनिवर्सिटी के लिए ये एक नोटिस आया था। आपको बताएं कि दो उन्होंने नोटिस डाले थे जिसमें डेट शीट थी, एक तो ट्रेडिशनल नोटिस था उसमें भाई सेमेस्टर वाइज थे, और एक था प्रोफेशनल जिसमें BCA BBA ये सब कुछ थे। तो जो ट्रेडिशनल वाला था जिसमें आपके LLB थे और BA BSc वगैरह थे, तो उनके लिए क्या बताया इन्होंने कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उसमें BA नहीं था, इसमें बस सेमेस्टर वाले थे जिनके फॉर्म की आज लास्ट डेट है 24 तारीख, उनके लिए ये नोटिस था, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि त्वरित गति से फैलती महामारी COVID-19 के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक सेमेस्टर परीक्षा December 2021 56/96 19/1/2022 द्वारा अधिसूचना परीक्षा कार्यक्रम में वर्णित समस्त परीक्षाएं एतद् द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है, ठीक है। तो जो 19 तारीख का ये मतलब नोटिस है, तो इसी इन्होंने बताया, सॉरी जो वो नोटिस था ना, जो December 2021 का रेफरेंस नंबर है और 19 जनवरी का नोटिस था उसके बारे में है ये, जो ये तो नोटिस 22 का है इसके बारे में सूचना दे रहे हैं कि जो 19 तारीख को उन्होंने डेट शीट डाली थी इस विज्ञापन संख्या से, उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। संदर्भित परीक्षाओं की नई तिथियां जो है और समय चौधरी चरण सिंह की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अब इसके बारे में हमने एक अलग सेपरेट वीडियो डाल रखी है, उसे आप चेक कर लेना, इसके तुरंत पहले या फिर उससे भी पहले पड़ी होगी। हमने जैसे ये चीज़ बताई है ना कि इसका विज्ञापन संख्या ये है और ये जो नया नोटिस है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हमने उसके इसके बारे में भी बताया है करके उस वीडियो में, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा जो प्रोफेशनल वाला पेपर है इसके बारे में तो बताया हमने कि भाई ये तो पोस्टपोन हो गया, इसी का नोटिस था वो पीछे, लेकिन जो प्रोफेशनल वाला एग्जाम है, ये वाला प्रोफेशनल पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से नोटिस खुल के आएगा। तो ये जो जितनी भी क्लासेज हैं ये सारी प्रोफेशनल हैं, BBA BCA BA LLB 5 साल इंटीग्रेटेड वाली, BCOM LLB 5 साल इंटीग्रेटेड वाली, BGMC जितनी भी कोर्सेज हैं, इनके लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि ये भी पोस्टपोन हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो कितने चांसेस हैं होने के।
तो भाई अगर ये हो गया पोस्टपोन तो इसके भी चांसेस हो जाएंगे भाई पोस्टपोन होने के। अभी फिलहाल के अपडेट अगर हम बताएं तो अभी कोई इसकी अपडेट नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत से आपको सूचित करेंगे। इसकी एक सब्जेक्ट और देख लो, सब्जेक्ट में लिखा है जो बीबीए है ना, आप पूछो कि भाई सेकेंड सेमेस्टर का है क्या बीबीए, फर्स्ट सेमेस्टर का है क्या बीबीए, तो इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम स्केड्यूल ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ एग्जाम एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर के सिवाय, ठीक है ना। बाकी इसमें नोटिस में देख लेना, हमने जैसे इस पूरी की पूरी स्कीम को देखा और हमने पाया कि जो जितने भी इसमें बीबीए के चल रहे हैं, बीसीए के चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं, या तो वो 17 से स्टार्ट थे, 17 से स्टार्ट हैं या 18 से, क्योंकि पोस्टपोन नहीं हुए अभी। अगर पोस्टपोन की इसमें अपडेट आती है तो तुरंत आपको सूचित हम कर देंगे। CCS यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम एंड लेटेस्ट अपडेट, तो भाई एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले टाइम बताएं आपको, हम सेमेस्टर वाले एग्जाम की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ईयर वाले की नहीं कर रहे हैं। तो सेमेस्टर वाले में 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, और हमने जैसे कॉलेज से पता करा है तो उन्होंने बताया कि 5 सवालों में से 2 सवाल करने होंगे, ये लॉन्ग में है, 3 सवाल में से 1 क्वेश्चन करना होगा, ये शॉर्ट में है, और वेरी शॉर्ट में 5 सवालों में से 4 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। ये फॉर्मेट है, ये हमने कॉलेज में पता करा था LLB के बिहाफ पे, ठीक है ना, LLB फर्स्ट सेमेस्टर के, तो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का यही रहेगा। लेकिन अगर कोई और भी आपकी क्लासेस हैं और सेमेस्टर वाले हैं तो उनका भी यही पैटर्न रहेगा, बाकी आप अपने कॉलेज में टीचर से डिस्कस कर सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस के बारे में हमने एक वीडियो डाल रखी है चैनल पे, देख सकते हो, बहुत जल्दी इस वीडियो से जस्ट पहले डाली है, उसका जो भी पार्ट है वो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के सवाल हैं कि भाई स्कॉलरशिप कैसे देखनी है, चेक करना है स्टेटस हमें, तो स्कॉलरशिप चेक करने के तीन जो है मेथड इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला मेथड है सुपर फास्ट मेथड। सुपर फास्ट मेथड में आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है, फॉर्म को लॉगिन करने के बाद आप यहां पे देखोगे रजिस्ट्रेशन संख्या के ऊपर यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, लिखा आ जाएगा कि स्टेटस चेक करें, एक तो यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा जन्मतिथि के नीचे कि स्टेटस चेक करें। अब दोनों जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि स्टेटस चेक करें, इसका मतलब फिलहाल आप स्टेटस नहीं देख सकते हो अपने स्कॉलरशिप का। जब भी स्टेटस आ जाएगा तुरंत सबसे पहले यहीं पे शो होगा, अपने फॉर्म को लॉगिन करके देखते रहें। अगर आप उस फॉर्म को लॉगिन तब कर पाएंगे जब आपके पास जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पे होगा, और आपका पासवर्ड होगा, जो कैफे वाले ने फॉर्म भरा उनसे पासवर्ड पूछ लेना, डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना। हमने पूरा पिछली जो वीडियो है उसमें थोड़ा डिटेल में बता रखा है, उसे जाके चेक कर लेना, इसके जस्ट पहले वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है फास्ट मेथड, ये सुपर फास्ट था, ये फास्ट मेथड है। फास्ट मेथड क्या, जो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे scholarship.gov.in और /index.aspx पे, तो यहाँ पे स्टेटस लिखा रहेगा, स्टेटस के आगे यहाँ पे जिन जिन जो सेशन है उन जिन जिन की आ गई, पहले 17-18 की आई, फिर 18-19 की आई, फिर 19-20 की आई, फिर 21-20-21 की आई, अब 21-22 की आ जाएगी, तो 17-18 हट जाएगा, ठीक है। 4 स्टेटस यहाँ पे शो होते हैं, जब 21-22 आ जाएगा ये 17-18 हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं आ रहा तो स्टेटस चेक नहीं हो रहा होगा। सबसे तरीके का मेथड है सुपर फास्ट वाला मेथड जो पीछे दिखाया, सबसे पहले वहाँ पे आ जाएगा, वहीं से लिंक यहाँ लगती है, और हम जो है यहीं से दोनों जगह से उठा के जब भी हमें कहीं से पता चल जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड है, हमारी वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट है ये वाली onlineforminfo.com, गूगल पे लिख लेना सबसे ऊपर आ जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म लिख के सर्च कर लेना सबसे ऊपर आ जाएंगे, तो onlineforminfo.com लिख के यहाँ पे नीचे की तरफ बीच से में जाके यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में हम सारी अपडेट लिखेंगे, जैसे 21-22 का जब आ जाएगा यहाँ पे हम तुरंत लगा देंगे, ठीक है। वेबसाइट का मान के चलो चेंज हो, लिंक चेंज हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे रेगुलर से चेक करते रहेंगे, जब भी आ जाएगा तुरंत से लगा देंगे। और इसी के नीचे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस पर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाओगे आप, ठीक है। तो ये अपडेट हो गई स्कॉलरशिप वाले की, SSC फेज 9 एग्जाम अपडेट। तो भाई SSC फेज 9 के बारे में आपको बताएं तो ये है इसका कुछ स्केड्यूल, जरूरी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी। सबसे पहली चीज तो ये फॉर्म जो है वो चले थे 24 सितंबर को चले थे, और 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ये फॉर्म भरे गए हैं। CBT की इसमें डेट बता रहा है कि भाई 2 से 10 तारीख फरवरी के बीच में पेपर हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले निकलेगा। अभी जो
इसके बारे में और बताएं तो 3200 प्लस पोस्ट थी, ये 10वीं से भी भरे गए हैं, इंटरमीडिएट से भी भरे गए हैं, ग्रेजुएशन से भी भरे गए हैं। 18 से 30 साल उम्र थी, एज की गणना, आयु की गणना 1 जनवरी 2021 को हुई थी। अगर ये आपने फॉर्म भरा है तो इसके बारे में बता दें। लिखा है कि ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के कारण 5 स्टेट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 9 2021 स्केड्यूल्ड फ्रॉम 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में जो पेपर थे, मतलब जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे अलॉट, इसमें लिखा है कि भाई यूपी वाला है, उत्तराखंड है, पंजाब है, इनके बारे मतलब जो भी इन इन स्टेट से है उनके जो एग्जामिनेशन हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो जैसे ही नई डेट आएगी बताया जाएगा। फर्स्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, ठीक है ना। इससे पढ़ के लग रहा है कि जो इनसे बाहर है ना उनके जो है पेपर वगैरह चल जाएंगे, तो इसके बारे में चेक करते रहना, मतलब हम लिंक आपको बता देंगे और जल्दी ही इसके बारे में जैसी भी अपडेट मिलेगी आपको सूचित करेंगे। तो जो भाई यूपी में जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो उन इलेक्शन वगैरह की वजह से पोस्टपोन ये हुआ है, तो जहां भी इलेक्शन चल रहे हैं वहां पे पोस्टपोन हुआ होगा, और इलेक्शन अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लेना वेबसाइट वगैरह पे, ठीक है। हम इसकी जो लिंक है एडमिट कार्ड की अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, कोई भी सवाल उससे रिगार्डिंग कॉमेंट कर देना, ठीक है। ये फेज 9 हो गया है। सीसीएस यूनिवर्सिटी फॉर्म अपडेट, तो भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2 इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल हैं कि बैक फॉर्म कब भरे जाएंगे। भाई बैक फॉर्म आएंगे फरवरी के पहले सप्ताह में, ये न्यूज़पेपर की अपडेट है जो हम बता रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। तो बैक फॉर्म के लिए, सॉरी बैक फॉर्म नहीं, प्राइवेट फॉर्म की हम बात करें, प्राइवेट फॉर्म कब से शुरू होंगे, प्राइवेट फॉर्म आएंगे फरवरी के पहले सप्ताह में, हमने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। बैक फॉर्म के बारे में बात करें तो भाई बैक फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, कभी भी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो हम बना के निपटे और हमने वेबसाइट चेक करी और बैक फॉर्म का नोटिस आ गया कि बैक फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, इतनी तारीख तक भरे जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं बैक फॉर्म। रेगुलर से अपडेट करते रहें, वेबसाइट को चेक करते रहें। वेबसाइट होगी इसकी exam.ccsuweb.in, ठीक है। हम भी इसका लगातार ध्यान रख रहे हैं, वेबसाइट पर तुरंत से अपडेट डालेंगे और एक वीडियो बना के डाल देंगे, एक सेपरेट वीडियो, छोटी सी 2 मिनट की वीडियो डाल देंगे कि बैक फॉर्म चल गए हैं, ये बच्चे भर सकते हैं, ये क्लास भर सकती हैं। जैसे भी कोई अपडेट आएगी तुरंत से सूचित करेंगे। प्राइवेट फॉर्म आपको बता दिया कि फरवरी के पहले सप्ताह में भरे जाएंगे, अगर इनमें भी कोई डेट में संशोधन होता है तो तुरंत से आपको सूचित किया जाएगा। CCS यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर के बारे में हमने बोला था वीडियो डालेंगे, हमने नहीं डाली क्योंकि हमें नहीं लगा कि भाई इस पे वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि जितने भी नोटिसेज हो आ रहे थे उस टाइम पे वो थोड़े गड़बड़ उन्होंने कर रखा था। क्या अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखो, इन्होंने लिखा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं अध्ययनरत छात्रों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 2021-22 शैक्षणिक कैलेंडर में वर्णित परीक्षाओं की तिथियां अंतिम नहीं है, मतलब फाइनल नहीं है, उक्त तिथियों में परिवर्तन संभव है। जो इन्होंने नोटिस दिए थे, इन्होंने बोला है कि जो वो उसमें लिख रहा है एकेडमिक कैलेंडर में कि भाई इतनी तारीख से इतने तक पेपर दिए जाएंगे, डेट शीट रिलीज की जाएगी, तो उसमें जो तिथियां बता रखी है वो अंतिम नहीं है। जो अभी तो पेंडेमिक जो चल रहा है, कोविड वगैरह चल रहा है, इलेक्शन वगैरह चल रहा है, इसकी वजह से इसमें संशोधित जो है जो हो सकता है, तो उसी के बारे में बताया कि निवेदन है कि परीक्षा इत्यादि से संबंधित समस्त सूचनाएं हेतु अलग से समय समय पर जितनी भी सूचनाएं प्रकाशित होती रहेंगी उनको आधार माने, उनको फॉलो करें। अब इन्होंने बताया था कि ट्रेडिशनल जो पेपर है वो भाई 1 फरवरी से होने शुरू हो जाएंगे और जो आपके प्रोफेशनल हैं वो 17-18 से शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने फिर आगे नोटिस निकाल दिया कि भाई कोविड की वजह से जो है जो पेपर 1 तारीख से होने वाले थे ट्रेडिशनल मेथड के LLB वगैरह के, वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं अगली तिथि तक, और प्रोफेशनल वाले एज इट इज हैं 17 फरवरी 18 फरवरी से ही हैं, बाकी जो भी नोटिसेज आएंगे उनको ही आधार माना जाए, इसमें यह बता रखा है। अगर वो भी पोस्टपोन होते हैं या फिर आपकी कोई नई डेट आती है, आप BA हो तो BA का भी अगर कोई नोटिस आता है, बैक फॉर्म कोई सा भी नोटिस, तुरंत से आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी और जो रेगुलर अपडेट है उसमें तो सारा हम कंबाइन करके डाल ही देते हैं। RRB ग्रुप डी और NTPC की बात करें तो भाई ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट डेट है कि आपने फॉर्म कब भरा था। आपका फॉर्म भरा गया था 12 मार्च 2019 से 12 अप्रैल 2019 के बीच में, 1 महीने फॉर्म ये चले थे। और ये फीस वगैरह की डेट है, CBT के लिए बताया था कि भाई एग्जाम कब है, न्यू नोटिस डेट वगैरह दे रखी है इसमें। अब इसमें जो अपडेट दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है कि भाई फर्स्ट स्टेज CBT, अब 2 पेपर होंगे इसमें, फर्स्ट स्टेज CBT 1
जो 23 फरवरी से होगा, 13 फरवरी से एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे 10 दिन पहले। और एक होगा CBT 2, जिसमें सिलेबस 10th स्टैंडर्ड सिलेबस आएगा और सेम है CBT 1 की तरह होगा, जैसे CBT 1 होगा। ठीक है, ये आगे इसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईच ऑफ एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ये सारी चीज बता दी इसने। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना जो है बच्चों को छांटा जाएगा। ये जो नॉन वैकेंसी थी वो थी 103,739। ठीक है, ये चीज था, यही बस अपडेट थी इसकी, और जल्दी ही कोई भी अपडेट आएगी सूचित करेंगे। 13 फरवरी को जिन्होंने फॉर्म भर रखा था 13 फरवरी को एडमिट कार्ड चेक कर लेना, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे हम भी आपको सूचित कर देंगे। RRB NTPC की बात करें तो भाई सेकेंड जो स्टेज है विल बी हेल्ड इन सिंगल फेज फ्रॉम 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो उनका PDF में आपने रिजल्ट वगैरह चेक कर लिया होगा, तो 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में पेपर होगा। 10 दिन पहले मतलब 5 फरवरी को एडमिट कार्ड निकाल पाओगे, 5-6 तारीख में, और सारी चीज़ें इसमें यही लिख रखी हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, ये जारी कर दिया उन्होंने, बोला था कि भाई 15 तारीख तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तो वो आ गया था 15 का, 14 को ही रिजल्ट आ गया था शाम को। तो ये चीज़ है, करंट रिक्रूटमेंट जितने अभी फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो CCS यूनिवर्सिटी ओड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इवन फिलहाल नहीं चल रहे, सिर्फ ओड चल रहे हैं। ओड मतलब विषम सेमेस्टर। अगर LLB आप कर रहे हो तो LLB का फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, सेवन्थ सेम, नाइन्थ सेम, ये होते हैं ओड सेमेस्टर। इनके फॉर्म चल रहे हैं जिनकी लास्ट डेट आज है, रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। UP SSSC लेखपाल के फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने PET की परीक्षा नहीं दी तो इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा था PET का, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो गेट बंद हो गया था, पेपर में परीक्षा नहीं दे पाए, परीक्षा में नहीं बैठ पाए। ऐसे बच्चे भी आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, लेकिन जब अगर आप भाई फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो दिखा देगा वहाँ पे कि आपने पेपर नहीं दिया है। मतलब कुल मिला के वो बच्चे सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने PET का एग्ज़ाम दिया है। डजंट मैटर कि आपके 100 नंबर हों या फिर 1 नंबर हो, इस बार ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जो बाद में लेखपाल के बाद जो फाइनल रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा, अब ये नहीं पता उसका कि PET का एग्जाम, उस एग्जाम PET का जो नंबर है वो उसमें जुड़ के आएंगे या फिर बिना जुड़े होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आप भर सकते हो। बीच में पिछले 4 दिन के लिए वेबसाइट बंद हो गई थी, बंद से मतलब है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद पहुंच रहे थे तो वहां पे फोटो साइन नहीं लगा हुआ था, बहुत से बच्चे परेशान थे। हमने वीडियो बनाने की सोची भी, लेकिन बाद में जो है जब ये सही हो गई तो हमने एक नोटिफिकेशन डाल दी अपने कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पे, तो बहुत से बच्चों ने उस चीज़ को देख के अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया और हमने भी अपने सारे लगभग फॉर्म निपटा लिए थे। ठीक है ना, ESIC MTS के फॉर्म चल रहे हैं। आप 10वीं क्लास में हो तो भर सकते हो, 12वीं के साथ टाइपिंग हो तो भर सकते हो, ग्रेजुएशन हो तो भर सकते हो। 3600+ पोस्ट हैं, बाकी फीस वगैरह देख सकते हो। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 15 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 10वीं से भी भर जाएगा फॉर्म ये। इसके अलावा BSF के फॉर्म चल रहे हैं, BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के। अब इसमें भाई ऐसा है, अगर आप 10वीं आपने कर रखी है, 10वीं से ही फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक्सपीरियंस वाला। एक्सपीरियंस मतलब अगर आप सफाई कर्मचारी में भर रहे हो तो सफाई का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कुक में भर रहे हो तो कुक में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वाटर करियर में भर रहे हो तो वाटर करियर का 2 साल का एक्सपीरियंस। वाटर करियर के बारे में हम आपको बताएं तो वाटर करियर के बारे में बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग वाटर करियर को ये चीज़ समझते हैं कि कोई हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी में पानी वानी को इधर से उधर ढोना है, तो भाई वाटर करियर का मतलब ये नहीं होता। वाटर करियर होता है एक तरीके से जो खाना परोसता है, ठीक है ना, कुक तो खाना बनाता है, वाटर करियर क्या होता है, खाने को परोसेगा और एक तरीके से कुक की हेल्प करता है, वो होता है वाटर करियर में। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो वाटर करियर ये होता है। तो जो भी आप पोस्ट पे भरोगे उसका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत से बच्चे आके ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास ITI है, मुझे तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है ना। तो भाई अगर आपके पास ITI है, कंप्लीट ITI है, पेयरिंग नहीं, अगर आपने कंप्लीट ITI कर रखी है तो उसके साथ भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिएगा, लेकिन तब 2 का नहीं, तब 1 ही साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर उधर से बनवा रहे हो सर्टिफिकेट तो एक बार जहाँ का भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उनसे जाके खुद से बात कर लेना कि अगर आगे को पुलिस वेरिफिकेशन आती है तो आप लोग इस चीज़ को बता देना कि हाँ मैं वहाँ पे काम करता था। ठीक है ना, पक्का काम करना, ऐसा कच्चा काम मत करना, क्योंकि बहुत से जगह पे फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिए जा रहे हैं, तो जो गारंटी ले ले आपकी वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना, ऐसे ही किसी से भी जाके सर्टिफिकेट मत बनवा लेना, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
यूपी पुलिस की भाई 3 जो है वैकेंसी चलने वाली थी 20 तारीख से, लेकिन इस वाली को तो जो 10वीं से है इसको तो 27 तारीख से चलाएंगे वो। 27 लिखा नोटिस आ गया कि 27 से चलेंगे। 12th के साथ पीसीएम अगर आपका है तो आप इस भर्ती को इसको भर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और एक फोटो जिसका पीछे बैकग्राउंड लाइट कलर का होगा, मतलब हल्का कलर होना चाहिए और साइन, ये चीज़ें लगेंगी। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो ओबीसी कैटेगरी को अप्रैल 2021 के बाद का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन अगर आप जाट नहीं हो और ओबीसी हो तो कभी का भी लग जाएगा, आप कोई भी कैटेगरी का हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर लग जाएगा। जाट के लिए सिर्फ बाउंडेशन होती है कि अप्रैल 2021 के बाद का चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है ना, वही यूपी पुलिस में लग जाएगा। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हेड को ऑपरेटर के चल रहे हैं, ये नीचे डेट दी हुई है, ये चेक कर लेना कि आपकी डेट इसमें आ रही है नहीं। अगर हम इसकी बात करें 10th और ITI, इसके लिए पूछते हैं कि भाई 10वीं से ही भर जाएगा ये, ITI की जरूरत है या नहीं, तो भाई अभी फिलहाल इसको देखने से लग रहा है कि भाई 10वीं हो तो भी भर जाएगा, ITI हो तो भी भर जाएगा, मतलब 8वीं के साथ कुछ बच्चे ITI कर लेते हैं ना, तो इसलिए ठीक है ना। तो जैसे इसकी अपडेट आएगी, 27 को अपडेट आएगी, आपको सूचित करेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल आप 12th PCM ये वाला भर सकते हो और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा है तो ये भर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा यूपी पुलिस की जो भर्ती है, जो नॉर्मल भर्ती होती है, जिन्हें आप अगर आर्ट साइड से भी कर रहे हो तो भी भर दोगे, 26,000 कुछ पोस्ट के लिए आ रही है, 26,210 लिखा हुआ है, तो उसके लिए ऐसा कुछ नोटिस दे रखा है। तो इन्होंने बताया कि 26,382 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इनके लिए मतलब एक टेंडर जारी किया गया है। जो एक वेबसाइट होती है ना जिस पे फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उन वेबसाइट के जो ओनर हैं, मतलब उन्हें बुलाया गया है, टेंडर जारी किए गए हैं, वो आके बोलेंगे कि भाई हम अपनी वेबसाइट से इस फॉर्म को भरवा देंगे, हम आपकी वेबसाइट पे इस तरीके के फंक्शन लगा देंगे कि आप फॉर्म भर दो। तो वो काम होगा 27 तारीख तक 12:30 बजे तक वो अपनी जितने भी आवेदन आएंगे 4, 5, 6, वो कोई बोलेगा मैं भाई 3 करोड़ में इस वैकेंसी को क्लियर करा दूंगा, कोई बोलेगा 4 में, कोई बोलेगा 2.5 में, तो यूपी पुलिस उसको देगी, ये सरकार उसको देगी टेंडर जो कम से कम में ये सारी एलिजिबिलिटी पूरी करता, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये 27 तारीख को 3:30 बजे तक वो क्लियर कर लेंगे कि कौन इस भर्ती को पूरा कराएगा, और हमें लगता है कि फरवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही, जितनी भी जरूरी अपडेट थी हमने शायद इस वीडियो में क्लियर कर लिया। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से सबसे पहले आपको वहां पे सूचित किया जाता है। और एक चीज़ और आपको हम बता दें लास्ट में चलते हुए कि भाई गूगल पे चेक कर लेना onlineforminfo.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट को रेगुलर से चेक करते रहा करो, क्योंकि जितनी भी अपडेट जरूरी होती हैं जो भी लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन के माध्यम से या फिर मैसेजेस के माध्यम से, तो हम सारी चीज़ें उस पर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, कोई भी सवाल हो कमेंट करना, हम ध्यान रखेंगे, ज़रूर से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अगर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अगली रेगुलर अपडेट्स वीडियो में उसको ले लेंगे, ठीक है ना, सवाल को। बस यही भाई अपडेट थी,